जमात 11वीं मज़मून अंग्रेज़ी हिस्सा नसर सेक्शन प्रोस का 1.6 सबक है टाइगर हिल्स का आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश करते हैं। सफ़र नंबर 57 पर तीसरा पैराग्राफ। इन नई दिल्ली में आई हैड रिमेन एनजीएस में परेशान था ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात ऑफ 3 जुलाई यानी 3 जुलाई की पूरी रात मुसनिफ परेशान रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह कृष्णा पाल GOC 15 कॉप यानी ये कृष्ण पाल एक अहदेदार थे GOC 15 कॉप के रैंग अप एट 6 आवर्स यानी सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन किया टू इन्फॉर्म मुझे इत्तला देने के लिए दैट के 18 ग्रेनेडियर यानी 18 दस्ती बम की टुकड़ी ने हेड कैप्चर टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया है एंड ऑल्सो और ये भी दैट के हैवी फाइटिंग वॉज गोइंग ऑन के बहुत सख्त जंग चल रही है आफ्टर कंसल्टिंग हिम उनसे मशवरा लेकर एंड निर्मल चंद्र जी से मशवरा लेकर वी डिसाइड डेट हमने फैसला किया टू अवेट के इंतज़ार करें कन्फर्मेशन काय की तस्दीक की फ्रॉम द GOC 8 नाम की टुकड़ी से हमको कन्फर्मेशन मिलना चाहिए तस्दीक मिलना चाहिए डिवीज़न टुकड़ी एट 7:30 यानी 7:30 बजे मोहिंदरपुरी ने तस्दीक की टू मी मुझसे दैट के द एनिमी वुड नॉट बी एबल के हमारा दुश्मन इस काबिल नहीं है टू डिसलॉच निकाल देने के 18 ग्रेनेडियर फ्रॉम टाइगर हिल टॉप यानी 18 दस्ती जो 18 दस्ती बम की टुकड़ी है उसको निकाल देने में दुश्मन इतना काबिल नहीं है। आई ड्वेली इन्फॉर्म ब्रजेश मिश्र मैंने उसी वक्त ब्रजेश मिश्र को मालूम दी एंड द प्राइम मिनिस्टर और हमारे वज़ीर आज़म को ये मालूम दी हु वाज शेड्यूल्ड टू एड्रेस जो कि खिताब करने वाले थे अ पब्लिक मीटिंग एक अवामी मीटिंग में इन हरियाणा में एट 1 आवर यानी 1 बजे द डिफेंस मिनिस्टर यानी हमारे जो हिफाजत के वज़ीर है वाज ऑन हिज वे वो अपने रास्ते में थे टू अमृतसर जाने के लिए व्हेन ही लैंडेड जब वो उतरे एट द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर आई गिव हिम मैंने उन्हें दी दिस एक्साइटिंग न्यूज़ ये पुरजोश खबर। द डेट 4 जुलाई 1999 4 जुलाई की तारीख वाज इम्पोर्टेंट बहुत अहम थी फॉर वन मोर रीज़न एक दूसरी वजह से कौन सी दूसरी वजह है तो नवाज शरीफ वाज ड्यू टू मीट नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिलने वाले थे द US प्रेसिडेंट अमरीकी सदर से बिल क्लिंटन से मिलने वाले थे लेटर इन द डे बाद में दिन उस दिन के बाद अबाउट 10 to 15 आवर 10 से 15 घंटों के बीच और बिफोर देयर मीटिंग उनकी मीटिंग से पहले वी मेड श्योर हमने यकीन दहानी कराई दैट के द होल वर्ल्ड केम टू नो कि पूरी दुनिया ये जान सकती है अबाउट द रिकैप्चर ऑफ टाइगर हिल कि हमने दोबारा टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया है एंड इस तरह द लाइकली आउटकम ऑफ द वॉर और इस तरह हमको जंग का नतीजा मिल गया। फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए पाकिस्तान ने इनकार किया द एग्जिस्टेंस ऑफ सच माउंटेन के इस तरह की कोई पहाड़ी है उस इलाके में यानी टाइगर हिल का के वजूद का ही इनकार किया एंड लेबल द एंटायर ऑपरेशन और उसने ये पूरे मुहिम पर लेबल चस्पा किया एज ए फिगमेंट ख्याली झूठी कहानी के तौर पर उसने पेश किया अब आवर इमेजिनेशन हमारी तस्वूर की द लॉस ऑफ टाइगर हिल यानी टाइगर हिल का जो नुकसान हुआ वाज ए हार्ड बहुत ज़्यादा सख्त था फिज़िकल तबई एंड साइकोलॉजिकल नफसियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो बहुत बड़ा एक नुकसान था। इन इंडिया वेव ऑफ जुबलिएशन यानी जोश खरोश से मनाया गया इस दिन को एंड रिलीफ और सुकून मिला रिप्लेस तब्दील हुआ विद द ग्लोमी यानी तारीख उदासी से की जगह सुकून ने ले ली मूड ऑफ द पीपल यानी लोगों के मिजाज में उदासी की जगह क्या आ गई सुकून आ गया। इस तरह से हमने टाइगर हिल वापस पर कब्जा जमा लिया। अगले सफ़े पर 58 सफ़ा नंबर पर आखिरी पैराग्राफ ऑन 8 जुलाई को आफ्टर द एंटायर टाइगर हिल ऑब्जेक्टिव हैड बीन क्लियर्ड यानी 8 जुलाई
टाइगर हिल पर मुकम्मल कब्जे के बाद उसको साफ किया गया, दुश्मन अफवाज को वहाँ से निकाला गया एंड द सिचुएशन स्टेबलाइज और वो हालत वहाँ पर इस्तेकाम पहुँचाया गया, मजबूती पहुँचाई गई। 18 ग्रेनेडियर हॉइस्टेड द इंडियन ट्राइकलर, 18 जो 18 दस्ती बम की टुकड़ी थी उसने हिंदुस्तान के तिरंगे को वहाँ लहराया, परचम को शाही की ऑन टाइगर हिल पर। थ्रू आउट यानी पूरे इस मिशन में इट्स टेन्योर यानी आग में टेन्योर कहते हैं द एक्ट और ए पीरियड ऑफ होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट स्पेशली पॉलिटिकल पोजीशन, पूरे मुतालिका मामले में इन द नियरली 2 मंथ, ये कितने दिन तक चला, 2 महीने लॉन्ग वेट, 2 महीने तक चला, 2 महीने की जंग थी। द बैटलियन, बैटालियन कहते हैं 1000 जवानों पर मुश्तमिल लश्कर को, एक्विटेड बरी जुम्मा थी इटसेल्फ खुद विद हाई प्रोफेशनल, उसके इस जंग में किसने लिया, पेशावराना जंग जो ने हिस्सा लिया एंड ऑनर और इज्जत मिली उनको, डिस्प्लेइंग उन्होंने जाहिर कर दी नुमाया की अनशेकेबल यानी ना हिलने वाली मजबूत डिटर्मिनेशन, एक तहदीद या तायुन फैसला एंड कलेक्टिव वेलर और मजमू तौर पर बहादुरी, ऑल इट्स मेंबर तमाम फौज, जो फौज ने उसमें मुजाहरा किया बहादुरी का, डिटर्मिनेशन का और इस मुस्तहकम इरादे का, कवर्ड देमसेल्फ और उनको महफूज किया देमसेल्फ खुद विद ग्लोरी और नामवरी से सब फौजों ने अपने आप को नुमाया किया एंड नॉचअप यानी निशान लगाना, 2 of the finest victories ऑफ इंडियन आर्मी यानी भारतीय फौज की दूसरी फतेह को निशान लगाया। आफ्टर द वॉर जंग के बाद एज द बैटालियन रिक्वेस्टेड, जैसे कि लश्कर ने को रिक्वेस्ट की गई थी, दरख्वास्त की गई थी यूएन मिशन ने यूनाइटेड नेशन को कहते हैं यूएन, आर्मी हेडक्वार्टर फौज का जो हेडक्वार्टर था सेंट इट, उसको भेजा टू सीरी लियोन साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट यानी जुनूबी मगरबी अफ्रीका में, देयर टू वहाँ भी द बैटालियन सक्सेसफुली कैरीड आउट, कामयाबी के साथ उन्होंने कारगुजारी की, ए मेजर रेस्क्यू बचाव का काम भी किया वहाँ पर, ऑपरेशन वो जो मुहिम थी बचाव काम की वहाँ पर उन्होंने बचाव का काम कामयाबी के तौर पर किया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुकरी। इस तरह से ये सबक हो चुका है, इसके जो मुसन्निफ है जनरल वेद प्रकाश मलिक। अब हम इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी देखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी में पहला है A1, नरेट इन योर ओन वर्ड ए सिमिलर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू द क्लास, आपको बयान करना है इसी तरह का वाकया, इसी तरह के अल्फाज जो इस टेक्स्ट में आए हैं और वो क्लास के सामने पढ़कर सुनाना है। इमेजिन, ख्याल कीजिए, तस्वूर कीजिए दैट यू आर अबाउट टू इंटरव्यू द राइटर, आपको मुसन्निफ का इंटरव्यू लेना है, सवाल पूछना है आपको उससे, राइट 10 to 15 क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑपरेशन यानी इस मिशन के ताल्लुक से 10 से 15 सवालात आपको मुसन्निफ से पूछना है, ये होगी A1 एक्टिविटी, ये आपको अपने तौर पर करना है। A2 एक्टिविटी देखिए, इनलिस्ट एनी 4 facts विच मेड द कैप्चरिंग ऑफ टाइगर हिल ए नेशनल चैलेंज, 4 हकायक आपको बयान करने हैं जो टाइगर हिल पर कब्जे के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखे जाते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है डिफरेंट आर्म एंड एम्यूनिशन आर मेंशन इन द एक्सर्प्ट, फाइंड देयर नेम, इस पैसेज में बहुत सारे जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, उनका नाम आपको लिखना है। तो पहले का जवाब देखिए, टाइगर हिल एक्सटेंड अबाउट 22,000 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी 2,200 से 1,000 के बीच में फैली हुई है, टू नॉर्थ प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन 500 मीटर इंडिया गेट एंड हेमलेट, दीज आर द फैक्ट दैट मेड टाइगर हिल ए नेशनल चैलेंज, यानी 4 मुकाम थे जो दुश्मन फौज के कब्जे में थे इसलिए ये एक नेशनल चैलेंज बन गया। दूसरे का जवाब, कौन कौन से हथियारों के नाम इस्तेमाल हुए इसमें, तो एम्यूनिशन आर मेंशन इन द पोएम, आर्टिलरी वो जो तोपे हैं, बोफोर्स गन का इस्तेमाल हुआ उसमें, इसी तरह से मीडियम गन, इंडिविजुअल गन और 122 mm की जो
बंदूक होती है, फिर मल्टी बैलर ग्रेट रॉकेट लॉन्चर्स और मोर्टार, इन हथियारों का इस पैसेज में जिक्र हुआ है। तीसरा देखिए, वार आर नॉट फाउट ओनली ऑन द बैटल फील्ड, यानी जंगें सिर्फ जंगी मैदान पर नहीं लड़ी जाती, इसका इस बयान की हमको वजाहत करना है। इसके बाद अगला सवाल है, प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग इज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग ए वॉर, यानी रिपोर्टिंग करना यानी इत्तला पहुंचाना, ये एक हिकमत अमली होती है जंग के दौरान। रेफर टू द अबोव एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन, ऊपर के सबक को पढ़कर उसकी वजाहत आपको करना है। चौथा भी आप अपने तौर पर कर सकते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ, पाँच चौथे बीच मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मेड फॉर एन असॉल्ट ऑन टाइगर हिल, यानी टाइगर हिल पर हमले के लिए जो तैयारियां की गई है उसका जिक्र यहां पर किया गया है, उसको आपको लिस्ट यादी फहरिस्त बनाना है। पहला क्या काम हुआ, थ्रू आउट लास्ट वीक ऑफ जून 1999 18 ग्रेनेडियर क्या किया उन्होंने, प्रोब टू इस्टेब्लिश द एक्सटेंट ऑफ एनिमी डिफेंस एंड, और बी में दे ऑल्सो एक्सप्लोर टू स्काउट फॉर सूटेबल रूट फॉर द असॉल्ट, तो रास्ते का इंतखाब किया उन्होंने। फिर सी में आफ्टर कन्फर्मिंग द मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट एज द बेस्ट स्ट्रेटजी बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ फील्ड 41 फील्ड रेजिमेंट, यानी वो 41 फील्ड मैदानी टुकड़ी, ड्रीव अप एन एलोबरेट आर्टिलरी, डी में इंडिविजुअल गन वेयर रेइंग सो एज टू कवर ईच ऑब्जेक्टिव, ई है बोफोर्स गन ने क्या किया, वेयर यूज इन डायरेक्ट फायरिंग रोल, यानी चलाने के बंदूक गोले फेंकने के का काम उसको दिया गया। नेक्स्ट है पांचवा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट शोइंग द इवेंट ऑन द डे ऑफ असॉल्ट, ये यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें दिखाए गए वाक़यात किस तरतीब में हुए, तो ये आपको अपने तौर पर करना है। छठा देखिए, री राइट द गिवन स्टेटमेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जो वाक़यात हुए हैं उनको तरतीब में यहाँ लिखना है। इसमें ए से लेकर एफ तक तकरीबन 6 वाक़यात दिए गए हैं, ठीक है, इनको तरतीब में लिखना है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ मेंटेनिंग द होल्ड ऑन टाइगर हिल वॉज अचीव इन दिस वे, एंड टाइगर हिल पर कब्ज़ा जमाने के लिए कौन से काम किए गए उनको तरतीब में लिखना है। यहाँ बेतरतीब दिए गए, पहला जुमला ए है, 8 Sikh वॉज ऑर्डर टू अटैक, और बी है बॉडीज ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर ड्यूरिंग द फेरोसियस आर्टिलरी, सिख फाउट बैक सक्सेसफुली एंड एडहॉक कॉलम ऑफ 8 Sikh क्लाइम, और एफ है इन स्पाइट ऑफ हैवी कैजुअल्टी। तो इसमें सबसे पहला जुमला क्या आएगा, देखिए पहला जुमला आएगा आपका सी, ड्यूरिंग फेरोसियस आर्टिलरी ड्यूल आर ग्रेनेडियर हंग ऑन देयर प्रीशियस पिकारियस प्रेपर्च। फिर दूसरे नंबर पर 8 Sikh वाज ऑर्डर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा एन एडहॉक कॉलम ऑफ 8 Sikh, और चौथे नंबर पर एफ आएगा इन स्पाइट ऑफ हैवी कैजुअल्टीज, पाँचवें नंबर पर छठे नंबर पर 8 Sikh आएगा, 6 फाउट बैक सक्सेसफुली टू काउंटर अटैक, और उसके बाद अगला जो वाकया हुआ वो बॉडीज ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर वेयर कलेक्टेड एंड बरीड अप्रोप्रिएटली, ये वाकयात की तरतीब है। ये हो गई कुछ इस सबक पर मौजूद ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, शुक्रिया।